आज हम लोग करेंगे अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। लिखो अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। अच्छा, अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न स्क्रीन शेयर हुआ है, देखो ठीक से स्क्रीन शेयर हुआ है ना। अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न इसको बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए एनपीओ बोलते हैं। और बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है ना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, उसका फाइनल जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, फाइनल अकाउंट बनाते हैं तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वहां पे नेट प्रॉफिट पर नेट लॉस निकलता क्योंकि उन लोग का ऑब्जेक्ट था प्रॉफिट। अभी जो कंसर्न का बनाएंगे कोई पीएल अकाउंट ही बनाएंगे, नाम चेंज हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्यों ना, इन लोग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। जैसा स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, लोकल क्लब, इन लोग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इन लोग बनाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना इनकम हुआ कितना खर्चा हुआ। आज ज्यादा पैसा रहेगा तो उसको सरप्लस बोलेंगे, वो पीएल का कॉन्सेप्ट में ही होगा। अब क्वेश्चन है यहाँ पे जो प्रॉब्लम करता वो है क्या ऐड करे क्या लेस करे, किसको बैलेंस शीट में ले, किसको एसेट्स में ले, किसको लायबिलिटी में ले, एकदम क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट एकदम डिटेल रहेगा और नोट याद रहने से शाम से हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, टेक्निकली करेंगे। इन लोग का अकाउंट नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का अकाउंट जेनरली तीन वे में होता है, उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लिखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये चैप्टर तुम लोग का पहले भी आइडिया है थोड़ा बहुत, बट यहां पे बहुत एडवांस तक होगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इन लोगों का अकाउंट जनरली तीन बेसिस में होता है, तीन बेसिस में अकाउंट होता है। एक होगा कैश बेसिस, एक होगा एक्यूरल बेसिस, एक्यूरल बेसिस, और एक होगा मिक्स्ड बेसिस, मिक्स्ड बेसिस, और उसको बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। एक्यूरल बेसिस को मर्केंटाइल सिस्टम भी बोलते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम। ये तीनों बेसिस में अकाउंट्स मेंटेन होता है। कैश बेसिस में क्या होता है, हम कैश बेसिस के बारे में थोड़ा बोल रहे हैं। कैश बेसिस का नीचे हम लिख रहे हैं अंडर दिस मेथड
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट is prepared with considering cash revenue income and cash revenue expenditure. Under this method, income and expenditure account is prepared with considering cash revenue income and cash revenue expenditure. Cash revenue मतलब current year में जितना पैसा मिला वो income है, जितना पैसा खर्चा हुआ expenditure है. कौन सा year का नहीं देखते, 2010 का इनकम अभी मिला इनकम, 2025 का इनकम अभी मिला इनकम, जब जो मिलेगा जब मिलेगा तो इनकम गया तो खर्चा, कौन से ईयर का नहीं देख सकते. एक्रुअल बेसिस के बारे में बोल दे, एक्रुअल बेसिस देखो. अंडर दिस मेथड current year revenue income current year's revenue income and revenue expenditure are to be considered at the time of preparation of income and expenditure account. Under this method, current year's revenue income and expenditure are to be considered. Current year revenue income and expenditure is to be considered at the time of preparation of income tax account whether it is outstanding or advance. आउटस्टैंडिंग एडवांस देख के ओनली करेंट ईयर रेवेन्यू इनकम एंड करेंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेंगे. अभी 2021 चल रहा है, 20 का भी नहीं लेंगे, 22 का भी नहीं लेंगे, सिर्फ 21 का इनकम लेंगे, 21 का एक्सपेंडिचर लेंगे. जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होने से हम लोग ऐड कर देते थे, यहाँ पे करेंगे. हम लोग नॉर्मली जो फाइनल अकाउंट करते हैं इसी बेसिस पे करते हैं, और इसी बेसिस में हम लोग पूरा चैप्टर करेंगे. एक्रुअल बेसिस, मिक्स्ड बेसिस, मिक्स्ड बेसिस में क्या होता है, अंडर दिस मेथड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड with considering income under cash basis and expenditure under accrual basis.
income under cash basis and expenditure under accrual basis. मतलब मिक्स इसलिए बोला है, इसलिए मिक्स बेसिस बोलते हैं, हाइब्रिड सिस्टम, इनकम कैश बेसिस में होगा, एक्सपेंडिचर अक्रूअल बेसिस में, इनकम कैश बेसिस में। तुम इस बार पूजा करने गए, पैसा आया, इनकम दिखा दिया, कुछ लोग, कुछ आदमी पैसा नहीं दिया, पूजा होने के बाद देने का चांस कम है, देने का चांस कम है ना, तो क्या इनकम क्या मानेंगे, कैश बेसिस। आज जो इलेक्ट्रिक बिल खर्चा किया वो लेबर को देना पड़ा, देना होगा, आउटस्टैंडिंग एक्रूअल बेसिस में देना ही होगा, उन लोग तुम खर्चा कर लिया मतलब पेमेंट करना ही है, तो एक्सपेंडिचर अंडर एक्रूअल बेसिस, मिक्स बेसिस बोलते हैं। तो हम लोग सारा काम क्या एक्रूअल बेसिस में करेंगे, तीनों का नोट लिखा दिया, फर्स्ट मेथड में कैश बेसिस में ओनली कैश रेवेन्यू इनकम एंड कैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे, मतलब कौन सा ईयर का नहीं देखना है, पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो खर्चा, कौन सा ईयर का देखने का जरूरत नहीं है। एक्रूअल बेसिस में ओनली करेंट ईयर का इनकम होगा और किसी ईयर का इनकम होगा नहीं, ओनली करेंट ईयर रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर टू बी कंसीडर, करेंट ईयर इंपॉर्टेंट, और किसी ईयर का नहीं, करेंट ईयर इनकम बाकी होने से भी होगा, एडवांस होने से भी होगा, ओनली करेंट ईयर इनकम कंसीडर करना है एक्रूअल बेसिस में। हम लोग फाइनल अकाउंट करते थे, तुमको एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता था जहां से फाइनल अकाउंट करते है ना, बट यहाँ पे तुमको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे तुमको कैश बुक दिया रहेगा, कैश बुक मीन्स रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, जहां से तुमको फाइनल अकाउंट बनाना है, ये नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट ही बोलेंगे, मतलब फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है, हम लोग फाइनल अकाउंट का मतलब क्या समझते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल का जगह होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वही होगा। तो यहाँ पे एक रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा जहां से बनाना है, हम एक रिसीव पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दे दे रहे हैं, रिसीव पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दे रहे हैं, दो कलम करके हाफ पेज जैसे बनो, रिसीव पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, रिसीव पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, रिसीव पेमेंट अकाउंट for the year ended on मानो 31/12/2021 का बना रहा है, receipts और payment, debit credit कर दो रुपीस कलम होगा, receipts and payment account for the year ended on, रिसीव पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक है, रिसीव पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक है, कैश बुक में क्या होता, ओपनिंग कैश से स्टार्ट होगा, जितना पैसा आएगा रिसीप्ट, जितना पैसा खर्चा होगा पेमेंट्स, और क्लोजिंग कैश बाय बैलेंस शीट हो जाता है,
ये रिसीव पेमेंट एक कैशबुक है, कैशबुक जैसा करेंगे, कैशबुक का साथ रिसीव पेमेंट का डिफरेंस क्या है ना? कैशबुक हम लोग जनरली मंथली करते हैं, अब पूरा साल का कैशबुक हम जोड़ देंगे तो रिसीव पेमेंट हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो रिसीव पेमेंट का फॉर्मेट दे रहे हैं, रिसीव पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग से स्टार्ट होगा, जैसा टू बैलेंस बीडी देकर स्टार्ट होगा, ये क्या है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस मतलब कैश बैंक क्या सेविंग्स अकाउंट क्या फिक्स डिपॉजिट पेटी कैश जो भी कैश नेचर होगा ओपनिंग में टू बैलेंस बीडी बोल के डाल देंगे, सारा कैश नेचर कैश बैंक सेविंग्स अकाउंट फिक्स डिपॉजिट पेटी कैश और भी रिकरिंग डिपॉजिट दिया टाइम डिपॉजिट दिया और कोई कैश नेचर दिया वो भी टू बैलेंस बीडी में आ जाएगा। रिसीव्स में ओपनिंग बैक कैश हो गया। हम एक क्लब का पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, क्लब का कौन सा इनकम है, क्या इनकम नेचर है, एक क्लब का कैसे इनकम हो सकता है, टू डोनेशन टू एडमिशन फीस, एडमिशन और एंट्रेंस फीस बोलते हैं, टू एडमिशन और एंट्रेंस फीस, टू डोनेशन टू सब्सक्रिप्शन, ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव पेमेंट बना रहे हैं ना, ये तो कैशबुक पैसा मिलने से रिसीप्स, पैसा निकल जाने से पेमेंट्स, कौन से ईयर का नहीं देखते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन 2020 का होने से भी हम यहाँ पे लेंगे, 2021 का बनाने तो 21 का भी लेंगे, 2022 का पैसा भी अभी मिल गया, पैसा मिलने का मतलब है मिला तो रिसीप्स, कौन से ईयर का नहीं देखेंगे। जो भी हो कैशबुक में क्या होता है, पैसा आने से रिसीप्स, कौन से ईयर का नहीं देखते हैं, क्या बोले समझ में आया? और क्लब का क्या इनकम होता है, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर जो रहता है, चैरिटी शो प्रोसीड्स, चैरिटी शो प्रोसीड्स बोलते हैं, चैरिटी शो प्रोसीड्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां जहां से पैसा मिल रहा है वो रिसीव में डालेंगे, कौन से ईयर का देखने का जरूरत नहीं है, पैसा मिला मतलब रिसीप्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं टू एनी कैश रिसीप्ट, एनी कैसे भी पैसा आ जाए, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, चैरिटी शो प्रोसीड्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और एनी कैश रिसीप्ट, किसी जगह से पैसा आ जाए सारा रिसीप्ट में डालेंगे। आप पेमेंट साइड बोल रहे हैं, पेमेंट में जो जो खर्चा होता है, जितना भी खर्चा होगा वो होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी, रेंट देगा तो घर का रेंट, फर्नीचर परचेस,
क्लब में किताब रहता बुक्स परचेज या डोनेशन चैरिटी करता तो मेडिसिन भी खरीदता है, मेडिसिन कोई आदमी काम किया तो वेजेस देते हैं। मतलब क्या, कोई भी एसेस परचेज या कोई भी एक्सपेंडिचर, एनी कैश पेमेंट्स, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, और नहीं लिख रहे, और लिख रहे हैं एनी कैश पेमेंट्स, एनी कैश पेमेंट्स, एनी कैश पेमेंट्स, लास्ट में क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश मतलब बाय बैलेंस सीडी, ये बाय बैलेंस सीडी में जो जो चीज ओपनिंग में लिखे थे वो सब चीज लिख लेंगे। क्लोजिंग कैश बैंक, कैश बैंक, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, पेटी कैश, एक क्लोजिंग, एक समय इतना सारा रहेगा कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कैश हो सकता है, कैश और बैंक हो सकता है और एनी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब बोथ साइड मैच होना जरूरी है। ये है कैश बुक, यहां से हम लोग रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, यहां से रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, सॉरी यहां से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, ये रिसीव पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। समझ में आ गया, इन रिसीव पेमेंट्स जहां जहां से पैसा आ रहा, रिसीव पैसा निकल जाएगा तो पेमेंट्स और क्लोजिंग कैश, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्लोली नहीं करने से समझ में नहीं आएगा, मिक्सअप होने का चांस है। यहां से हम लोग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम फॉर्मेट दे रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, फाइनल अकाउंट ही बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बट ये बना रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12/2021 मानो। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम लिखना होगा, डेबिट और क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम पलट दिए हम लोग, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जगह हम लोग लिख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, हम मानो 21 का बना रहे, 21 एक बेस लेके करते हैं, हम कैलेंडर ईयर लेके चल रहे हैं, न जाने टू दिसंबर, ऐसे अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है। जो प्रॉब्लम एरिया है लिखो, एक प्रॉब्लम एरिया पहले बोल दे, बाय सब्सक्रिप्शन हम रिसीव साइड में, मतलब इनकम साइड में लेंगे,
जितना भी रिसीव साइड में इनकम होगा वो इनकम साइड में चल जाएगा, और एक्सपेंडिचर हम तो पेमेंट साइड में है वो एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा क्रॉस होके। हम लोग 2021 का बना रहे हैं, यहाँ पे एडलेस कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टेज में गलती होता है, और एक बार याद हो जाएगा तो गलत जिंदगी में नहीं भूलोगे। हम टेक्निक बता दे रहे हैं एडलेस करने का। मानो 1/1/2021 ईयर स्टार्ट और 31/12/2021 ईयर एंड। एक 1/1/21 को हम ये भी बोल सकते हैं 31/12/2020 बात बराबर ही है। 31 दिसंबर का जो हम लोग बोलते हैं ना एक साल के बाद खाना खाएंगे, मतलब 31 दिसंबर में खाना पकाएंगे, 1 जनवरी में खा लेंगे, तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है करंट ईयर का ओपनिंग है, इसको बोलेंगे ओपनिंग। हम लोग जो ईयर का बना रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बोलेंगे। नीचे ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। हम लोग फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में याद रखने का टेक्निक बता रहे हैं। फाइनल अकाउंट में कोई भी आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं ऐड, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड, सारा एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। तो ओपनिंग उल्टा रिवर्स, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो माइनस, इसमें कोई मिक्सअप होने का चांस ही नहीं है। हम लोग फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग में जो करते हैं ओपनिंग में उल्टा करेंगे। फाइनल अकाउंट याद रखने से हो जाएगा, या कोई भी एक चीज याद रखने से बाकी सब याद हो जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड क्या करते हैं ऐड, तो ओपनिंग तो माइनस ही होगा, ओपनिंग क्लोजिंग एक ही जैसे ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। हम लोग क्लोजिंग एडवांस को, हाँ बोलो, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तुमको करंट ईयर में मिला तो इनकम लास्ट ईयर का है। इनकम हम लोग तो ओनली 2021 का ही कंसीडर करेंगे। 2000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब 2020 का आउटस्टैंडिंग अभी मिला तो 2020 का इनकम इस बार नहीं आएगा, इसलिए हम लोग लेस कर दे रहे हैं। हम लोग एक्रुअल बेसिस में क्या करते हैं, ओनली करंट ईयर का कंसीडर करेंगे, 2020 का इनकम नहीं करेंगे, ओनली 2021 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंसीडर करना है। क्लोजिंग एडवांस हम लोग क्या करते थे फाइनल अकाउंट में, एडवांस मतलब प्रीपेड क्या करते थे लेस, तो आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे एडवांस माइनस। एडवांस क्यों माइनस, ये तो 2022 का है, ये तो 2022 का करंट ईयर में पेमेंट किए हम तो नहीं लेंगे। क्लोजिंग एडवांस हम लोग माइनस करते हैं तो ओपनिंग एडवांस प्लस करेंगे, क्योंकि 2020 में जो एडवांस किया था कौन से ईयर के लिए, 21 के लिए, 2020 में जो एडवांस किया था तो 21 के लिए, इसलिए करो नीचे लिखो, मिक्सअप होने का चांस है। एक याद रह जाएगा, ये इनकम और एक्सपेंस का केस में सब केस में एक ही रूल, इसका मतलब इनकम में अलग रूल एक्सपेंडिचर में अलग रूल ऐसे बात नहीं है। कोई कोई मिक्सअप कर लेते हैं, सर आउटस्टैंडिंग कोई समय बोला और कुछ लैंग्वेज, आउटस्टैंडिंग का बहुत सारा सिमिलर मीनिंग है ये तुम लोग जानते हो। आउटस्टैंडिंग जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरियर बोलते हैं, एरियर। आउटस्टैंडिंग नहीं देके एरियर दिया बात बराबर ही है, एरियर नहीं देके एक्रूड दिया, एक्रूड दिया मीनिंग सेम, एक्रूड नहीं देके अनपेड दिया, नहीं देखे ड्यू दिया, नहीं देखे ओइंग, OWING ओइंग मीनिंग आउटस्टैंडिंग है। कोई समय एरियर कोई समय एक्रूड, कंफ्यूज होने का चांस नहीं है, हम वो चीज अभी एक जगह कर दिए हैं। तो आउटस्टैंडिंग का सिमिलर मीनिंग देख लो,
गलती होने का जगह है, और भी कोई लैंग्वेज में बोलेगा आउटस्टैंडिंग का वो भी बोल सकता है। तुम बोलो और क्या लैंग्वेज हो सकता है ना, टूथ बोलो सब्सक्रिप्शन में टॉप फॉर 2021 इज येट नॉट पेड, चेंज कर दिया 21 का सब्सक्रिप्शन पे किया नहीं, आउटस्टैंडिंग लैंग्वेज में बोल दिया। एडवांस का सिमिलर मीनिंग होता है, एडवांस का भी सिमिलर मीनिंग होता है बहुत सारा एडवांस। और बोलो प्रीपेड, और क्या होता है कैरी फॉरवर्ड, और होता है अनएक्सपायर्ड, ये एडवांस का सिमिलर मीनिंग है। सिर्फ एडवांस देगा कोई मतलब नहीं है, लिख लो जल्दी। স্যার হ্যাঁ বলো, বলছি এটা 2020 এরও যদি ওপেনিং আউটস্ট্যান্ডিং হয় বা 2019 এরও যদি মানে আউটস্ট্যান্ডিং হয় ওটাকে কি ওপেনিং আউটস্ট্যান্ডিং বলে ট্রিটমেন্ট করব? হ্যাঁ ওপেনিং 2021 কা পেলে যো ভি হোগা সারা চিজ ওপেনিং হোগা। আচ্ছা অ্যাডলেস কা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হো গিয়া? অ্যাডলেস কা কনসেপ্ট তো এ ইনকাম মে এক্স হো সকতা হ্যায়, ये एक्सपेंडिचर में हो सकता है, और कोई भी इनकम में कोई भी एक्सपेंडिचर में हो सकता है। सबका हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग इनकम जितना रिसीव साइड में है सर हम कहाँ डालेंगे, इनकम में। सब्सक्रिप्शन इसका एडजस्टमेंट रहेगा, हम लोग का एड्रेस का कॉन्सेप्ट वही होगा। क्या एड्रेस का करें, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस लेस करेंगे, ओपनिंग एडवांस प्लस करेंगे। ये तो हम लोग अभी भी बोले, ये चार छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस। हाँ लैंग्वेज का वेरिएशन हो सकता है, तुम बोलो आज कैसे होता है। अच्छा ये एड्रेस करके तो बाहर भेजेंगे। अच्छा बोलो तो तुम लोग नहीं लिखोगे, जस्ट बोलोगे सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 रिसीव्ड इन 2021, ये क्या है क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस देखो ऐसे भी बोल सकता है, क्लोजिंग एडवांस तो 22 का सब्सक्रिप्शन अभी मिला, ऐसे लैंग्वेज में बोलेगा तो वो भी हमको दिमाग में लगाना है, मतलब इंटरनल मीनिंग देखना है। ऐसे बोला तो सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 रिसीव्ड इन 2021 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20 का सब्सक्रिप्शन अभी मिला, हम 21 में हैं, 20 पर उसका पहले जो भी ईयर होगा ओपनिंग होगा तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। अच्छा और एक लैंग्वेज बोलते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 रिसीव्ड इन 2020 सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 रिसीव्ड इन 2020 ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस 2020 में 21 का मिल गया था तो क्या बोलेगा ओपनिंग एडवांस, ऐसे लैंग्वेज में बोल सकता है। तो वो भी चीज तुमको दिमाग में रखना है, लैंग्वेज में बोल देने से कोई भी प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट रहेगा,
तो ओपनिंग हो जाएगा, ये तो कॉन्सेप्ट है। ये जो सबसे पर 2020 रिसीविंग 2020 ये क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 रिसीव्ड इन 2020 ऐड करेंगे, क्योंकि फॉर 21 है। हम लोग और एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए, 2021 का इनकम और एक्सपेंडिचर होगा तो प्लस, अदरवाइज माइनस, और कोई भी ईयर का हो 2021 का इनकम और एक्सपेंडिचर होगा तो प्लस होगा, अदरवाइज माइनस होगा, समझे। अच्छा बोलो, सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 येट नॉट रिसीव्ड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। करंट ईयर का बाकी है, इनकम तो करंट ईयर का है, कॉइन टॉस करने का जरूरत नहीं है, हेड और टेल करके कर लेंगे, ऐसे बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये बहुत काम का चीज होता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी जगह फंस जाता है, इसी जगह फंसने का जगह यहाँ पे है, ये जोड़ के बाहर डालेंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद वहां पे दिया था डोनेशन, दिया था डोनेशन, सामने कुछ बोला 60% ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तो यहाँ पे आएगा, रेवेन्यू नहीं बोलने से नहीं आएगा, हम यहाँ पे लिख देते रेवेन्यू पोर्शन, बोल देने से लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, मतलब कैपिटलाइज्ड बोल दिया तो यहाँ पे नहीं आएगा, कैपिटलाइज्ड बोलने से नहीं आएगा, रेवेन्यू पोर्शन, एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। अच्छा सर, जो कुन किचु ही बोल बना तो कुन क्यों बोल, तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, कैपिटलाइज मतलब बैलेंस शीट, हाँ नोट दे दो, एडमिशन और एंट्रेंस फीस। सर किचु ना बोले इनकम एक्सपेंडिचर आज भी ना, आज भी ना, अच्छा ये भी रेवेन्यू पोर्शन लेंगे, क्योंकि डोनेशन पर्टिकुलर पर्पस में दिया जाता है, डोनेशन देता है बोला जो हम डोनेशन दे रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो कैपिटलाइज करेंगे, तो जनरली और जितना भी इनकम होगा सारा इनकम इनकम साइड में आएगा, रिसीव साइड में जो है जैसे फाइनल अकाउंट करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट पोर्शन आएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, और चैरिटी शो रिसीप्ट, और एनी रेवेन्यू इनकम, एनी रेवेन्यू इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, दो चार एग्जांपल दे देते हैं, चैरिटी शो रिसीप्ट और एनी इनकम, एनी। अब एक्सपेंडिचर में जा रहे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू रेंट एडलेस का जो कॉन्सेप्ट है यहां पे जो किए थे ये सारा इनकम के लिए एप्लीकेबल है और सारा एक्सपेंडिचर के लिए एप्लीकेबल है। हाँ कोई भी इनकम, एनी इनकम, एक एक्सपेंडिचर का लिख देता है एट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग एडवांस एट ओपनिंग एडवांस, मतलब एक्सपेंडिचर हुआ मतलब अलग ट्रीटमेंट होगा, इनका मतलब अलग ट्रीटमेंट होगा, ऐसा बात नहीं है, एड लेस का कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए। समझे। इसके बाद टू इलेक्ट्रिसिटी,
क्लब का जितना टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस भी होता है, वेजेस, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, पूरा फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में जो जो चीज लेते हैं वही लेंगे। और एक चीज याद रखना है, मेडिसिन का केस में, बैट बॉल का केस में, पोस्टेज का केस में कंज्यूम्ड लेंगे टू मेडिसिन, कंज्यूम्ड लेंगे, कंज्यूम। तुम लोग कंज्यूम क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही लेंगे, कंज्यूम पोर्शन लेंगे। मेडिसिन का केस में जिसका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, पोस्टेज ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, बैट बॉल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग है, तो जितना यूज हुआ उतना लेंगे, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, समझे? अब टू एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और डिफरेंस जो होगा, हम लोग नेट प्रॉफिट वहां पे लिखते थे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं लिखते, यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस, और उधर आएगा तो डेफिसिट होगा। सरप्लस मतलब यहाँ पे ए लैंग्वेज में भी लिखते हो, सरप्लस मतलब क्या? इनकम ज्यादा ना एक्सपेंडिचर ज्यादा है? सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा है ना एक्सपेंडिचर ज्यादा है? इनकम ज्यादा है तो लिख सकते हो एक्सेस ऑफ इनकम, ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, डेफिसिट रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे अपोजिट साइड में, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उधर होगा तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ऐसे क्यों लिखते हैं ना? इन लोग का प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, इन लोग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, मैं तो नेट प्रॉफिट नहीं लिख सकते, इसलिए ऐसे लिखेंगे। एड लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा, जो गलती होता है सबका मेनली, तुम बोलोगे ये सब आइटम एड लिस्ट जो हुआ है ये एडवांस और आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट आइटम भी है, बैलेंस शीट में भी जाएगा। क्वेश्चन है बैलेंस शीट में किधर जाएगा, ये कंफ्यूजन होता है, हम वो भी क्लियर कर देते हैं। ये मानो बैलेंस शीट है, फाइनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर लिखते थे? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी, मतलब आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो लायबिलिटी, तो अप्रूव्ड बा आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग और अप्रूव्ड इनकम एसेट्स होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर लायबिलिटी हम जानते हैं, तो अप्रूव्ड इनकम एसेट्स होगा, मिक्सअप होने का क्या है? एक्सपेंस में जो होता है इनकम में रिवर्स होगा आउटस्टैंडिंग का, एडवांस एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एसेट्स, तो एडवांस इनकम, इनकम बोलने से गलती कर लोगे, सब्सक्रिप्शन गलती होता है, लायबिलिटी होगा, एडवांस इनकम लायबिलिटी, एडवांस इनकम लायबिलिटी है ना। हम तुम लोग से नेक्स्ट ईयर का फीस अभी ले लिए, मेरा पॉइंट उसे क्या है, पढ़ाना है लायबिलिटी। हम पूजा सब्सक्रिप्शन 22 का सब्सक्रिप्शन अभी ले लिए है, पूजा करना है नेक्स्ट ईयर में, तो क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। एडवांस तुम ऑफिस से 2 महीने का सैलरी एडवांस ले लिया, काम करना हो, एडवांस इनकम लायबिलिटी। तुम बोलोगे ये कौन सा बैलेंस शीट में लिखेंगे? ईबिट इज ओपनिंग डेट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ईबिट इज क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग डेट में एडवांस इनकम है, ओपनिंग लायबिलिटी में जाएगा, क्लोजिंग डेट में एडवांस इनकम है तो क्लोजिंग लायबिलिटी में जाएगा।
एडवांस इनकम लाइबिलिटी याद रखना, ये गलती हो जाता है, कहाँ लिखे एडवांस दे दिया, आउटस्टैंडिंग दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, मिक्स अप करने का जरूरत नहीं है। तुम एक चीज याद रखो ना, कोई भी एक चीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लाइबिलिटी जानते हैं, एक चीज याद रखो, सब याद हो जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी तो एडवांस इनकम लाइबिलिटी, ये तो बात है, उल्टा ऑपोजिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स है, एडवांस इनकम लाइबिलिटी है तो एडवांस एक्सपेंस एसेट्स है। हम लोग एडवांस को तो प्रीपेड बोलते हैं ना, प्रीपेड याद है, तो प्रीपेड भी बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होता है। ईबिट इज ओपनिंग डेट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ईबिट इज क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे सामने कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो ये हुआ मेनली एक बेसिक कॉन्सेप्ट। आहिस्ता आहिस्ता और भी कुछ बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे, रिसीव पेमेंट से इनकम रजिस्टर बनाना, फाइनल अकाउंट करना, रिवर्स ऑर्डर, इनकम रजिस्टर से रिसीव पेमेंट बनाएंगे, इनकम रजिस्टर दिया रहेगा, रिसीव पेमेंट दिया रहेगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे, मतलब कुछ भी दिया रहेगा कुछ भी बनाएंगे, सारा एंगल से। हम लोग पहले इतना ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, अभी प्रोफेशन में हम लोग सब कुछ करेंगे, कोई भी एंगल से कुछ भी देगा कुछ भी बनाना है, ठीक है। तो एक साम हम लोग कर लेते हैं फॉर द टाइमिंग, एकदम इजी से हम कर लेते हैं, पहला क्लास ज़्यादा डिफिकल्ट हम नहीं करेंगे, सम नंबर वन करेंगे। तुम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना अकाउंट बनाओ, हाफ पेज का, रिमेनिंग हाफ पेज का क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ, और वर्किंग में छोटा करके ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ऐसा में सब कुछ दिया है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, सम नंबर वन करा रहे हैं अभी। सर बोलो, आपने जो सर पीडीएफ दे दिए ওটা অন হচ্ছে না। अच्छा ওটা পিডিএফ করে দিয়ে দিতে বলছি, এক করে দিয়েছে, ওয়ার্ড ফাইল में है, सबका मोबाइल में सपोर्ट नहीं होता है तो पीडीएफ दे दे रहे। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, शाम देखो दिया हुआ 31/12/15 का दिया है, तो 31/12/15 लिखो, चला गया पीडीएफ फॉर्म। एबार खोल के देखो, हाँ सर इसे की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12/15, और एक बैलेंस शीट बना लो,
फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रायल बैलेंस को एक बार और एडजस्टमेंट को दो बार करके कंसीडर करते थे, यहाँ पे रिसीव पेमेंट को एक बार और एडजस्टमेंट को दो बार करके कंसीडर करेंगे सेम जैसा। और एक ओपनिंग बैलेंस शीट होगा वर्किंग नोट में, छोटा करके होता है एक कलम का, बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/15। ये करते हैं, सामने कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तब करेंगे। सबका हो गया, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बनाओ हाफ पेज का दो कलम करके, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ हाफ पेज का दो कलम करके, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ छोटा करके, क्योंकि एक कैपिटल फंड निकालना है। हम जैसे टेक्निकली करेंगे, हम क्या बोले अभी, रिसीव पेमेंट को एक बार, एडजस्टमेंट को दो बार करके कंसिडर करना है। तब हम पहले एडजस्टमेंट देख लेंगे किसका पर एडजस्टमेंट है और किसका पर नहीं है। सामने जा रहे नीचे एडजस्टमेंट है, नंबर वन एडजस्टमेंट है तो ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी बोल दिया, ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी नंबर वन में बोल दिया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चल जाए जाके ये सब लिख दो, फर्नीचर 5,500, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर 5,500, बुक्स कितना दिया 45,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, फर्नीचर 5,500, बुक्स 45,000, ये कौन सा डेट बोला 31/12/14, मतलब क्या बनेंगे 1/1/15, मतलब हम जो यहाँ पे बैलेंस शीट बने हैं 1/1/15, इसको क्या बोल सकते हैं 31/12/14 भी बोल सकते हैं, तो बात तो बराबर ही है। सब्सक्रिप्शन का ऊपर एडजस्टमेंट है, एडमिशन फीस 60% कैपिटलाइज का मतलब क्या है 40% रेवेन्यू होगा, मतलब 40% इनकम में जाएगा, 60% कैपिटलाइज्ड लाइबिलिटी। और डेप्रिसिएशन बोला, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोला सैलरी का ऊपर है और रेंट का ऊपर है, ये एडजस्टमेंट हम देख लिए हैं। आप रिसीव पेमेंट से लाइन से शुरू करते हैं, ये जो टू बैलेंस बीडी क्या है, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश को ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो, कितना है ओपनिंग कैश 4,500, ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो, लाइन टू लाइन चलेंगे, एक ही चीज को दो बार नहीं देखेंगे, टाइम वेस्टेज होगा और ढूंढ ढूंढ के लिखने का जरूरत ही नहीं, लाइन टू लाइन चल जाएंगे पूरा। इसके बाद है एडमिशन फीस 3,500, यहाँ पे बोल दिया 60% कैपिटलाइज्ड, दो नंबर एडजस्टमेंट, ये तीन नंबर एडमिशन फीस 60% कैपिटलाइज्ड बोला, मतलब 60% क्लोजिंग लायबिलिटी एडमिशन फीस। तीन हजार पाँच सौ का 60%, 2,100 कैपिटलाइज्ड बोला और 40% रेवेन्यू इनकम में डाल दो बाय एडमिशन फीस। तीन हजार पाँच सौ का 40% रेवेन्यू 1,400 इनकम में डाल दो,
सामने कुछ नहीं बोलता, पूरा कैपिटलाइज्ड मतलब पूरा लाइबिलिटी पे लेते हैं कुछ नहीं बोलने से। उसका बाद वाला आइटम क्या है? उसका बाद वाला आइटम सब्सक्रिप्शन है। करो सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम में डालो। इनकम में 19,500 दिया सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन 19,500। एडजस्ट नंबर टू बोल, देखो ये तुम लोग हमको बताओगे सब्सक्रिप्शन रियलाइज इन एडवांस दिस ईयर, करंट ईयर मतलब 2015 में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला, ये क्या करेंगे? ये क्या क्लोजिंग एडवांस? लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग एडवांस। कितना है? 600। समझे? तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी मिला, करंट ईयर का तो इनकम नहीं है। हम बोले क्या 2015 का इनकम हो तो ऐड, अदरवाइज माइनस। तो कितना हो रहा है बाहर? और कोई सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट नहीं है, बाहर चल जाएगा 18,900। बट एडजस्टमेंट डबल एंट्री होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है? बैलेंस शीट अभी बनाए, एडवांस इनकम, एडवांस फीस, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है? लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी में डाल दो एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 लाइबिलिटी होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी हो गया सब्सक्रिप्शन। उसके बाद वाला आइटम लेक्चर हायर चार्जेस इनकम, लेक्चर हायर चार्जेस डाल दो इनकम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। रिसीट मतलब इनकम में लिखेंगे लेक्चर हायर चार्जेस, 2,500 बाहर डाल देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मिसलिनियस इनकम 350 बाहर में डाल दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर में डाल दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600। सारा इनकम में चला गया, इनकम साइड खत्म, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मिसलिनियस इनकम, लेक्चर वाला चार्ज सब डाल दिए, इनकम खत्म। हम पेमेंट साइड चल जाएंगे। पेमेंट साइड का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर में जाएंगे। सैलरी वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो ओके। सैलरी वेजेस एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोला तो लिखो सैलरी वेजेस इनका एक्सपेंडिचर में लिखो टू सैलरी वेजेस। कितना है? 6,800। क्या बोला? आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं? एड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग। कितना है? 1200। ये चल जाएगा 8,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या लिखते हैं बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के सैलरी वेजेस क्लोजिंग लाइबिलिटी 1200 में डाल दो, डबल एंट्री हो गया। 7 डबल एंट्री होगा, बार में चेंज नहीं होगा तो गलती होने का चांस भी नहीं है। सारा एडजस्टमेंट डबल एंट्री होगा। रेंट का भी आउटस्टैंडिंग दिया 750। टू रेंट कितना दिया? 8,250 एड आउटस्टैंडिंग। कितना है? 750। 9,000 बाहर, 9,000 बाहर चल जाएगा। और लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट 750। देखो कितना इजी हो जा रहा है, कितना इजी ना, जो कर रहे हो वही करते रहो।
और एक शॉर्टकट अप्रोच है जो ऐड हो रहा है ना, जो ऐड हो रहा है स्टेट उतरेगा और जो लेस होता है क्रॉस होता है। प्रीपेड बैलेंस शीट का साथ इनकम स्टेटमेंट रिलेशन, क्लोजिंग बैलेंस शीट का साथ, ओपनिंग का नहीं। जो ऐड होता है स्ट्रेट उतार दो, जल्दी होगा, और जो लेस होता है क्रॉस कर देंगे। ऑलवेज एप्लीकेबल है। किसका साथ रिलेशन है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, नॉट ओपनिंग। ओपनिंग में वो नहीं होगा। इसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है। ये जो इन्वेस्टमेंट आया, मतलब क्या है? पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट है मतलब क्या है? पेमेंट साइड में इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? तुम खरीदा पेमेंट साइड कार इंडिया में खरीदा है। सोचो, एक मिनट रुको, तुम लोग मैं नहीं लिखोगे। ओपनिंग में जो एसेट्स था वो क्लोजिंग में भी होगा। क्यों? एसेट नहीं बेचेंगे तो रही तो जाएगा। तो ओपनिंग में जो एसेट था, फर्नीचर, फर्नीचर था ना ओपनिंग में, कितना था? क्लोजिंग में भी होगा। साथ में जो खरीदे हैं, नया फर्नीचर कुछ खरीदा नहीं, सेफ डेप्रिसिएशन करेंगे फर्नीचर का, लेस डेप्रिसिएशन 6%, 330 बार में जाएगा 5170। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में था कितना था? 20,000। आप पेमेंट साइड में कितना खरीदा है? एडिशन 3,500 करके 23,500 जाएगा। मतलब ओपनिंग में जो एसेट्स है, क्लोजिंग में वो चीज लिखेंगे, साथ में जो नया खरीदा जोड़ देंगे। क्या बोले समझ में आया? ओपनिंग में और बुक्स था, बुक्स था ओपनिंग में, बुक्स कितना था? 45,000 था। करेंट ईयर में नया खरीदा कितना? एडिशन 6,000। डेप्रिसिएशन है 10%। डेप्रिसिएशन बुक्स 10% पर एनम बोला। पर एनम जब बोलेगा, ओपनिंग का पर फुल ईयर लेंगे, एडिशन का पर हाफ ईयर लेंगे, मतलब 4,500 प्लस 300। ओपनिंग में जा जा थाकबे सर, ओगुलो सब बैलेंस शीटे चले जाबे। ओपनिंग में एसेट्स जितना भी रहेगा, फिक्स एसेट्स सर, क्लोजिंग में आ जाएगा, प्लस साथ में जो खरीदे वो करेंगे। कितना आ रहा है? 46,200। और ये बुक्स लास्ट ईयर का है, इसका फुल ईयर चार्ज होगा। एडिशन का डेट कौन सा डेट खरीदे बोले? बोले नहीं ना, तो इसका पर हाफ लेगा जो नया नया नया। हाँ, समझे? इसके बाद ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, ये क्या है? ये जो आउटस्टैंडिंग दिया, ये क्या है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर में पेमेंट हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग नेचर क्या रहेगा? मतलब ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में पेमेंट हुआ, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड में डालो, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइब्रेरी। अरे लास्ट ईयर करंट ईयर में पेमेंट हुआ मतलब क्या है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। और ये जो टू बैलेंस बीटी कहाँ लिखे? ओपनिंग कैश, ओपनिंग एसेट में लिखे थे। तो बाय बैलेंस शीट क्या है? क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग एसेट्स में लिखेंगे, क्लोजिंग एसेट्स में लिख दो कैश। क्लोजिंग कैश में लिखो कैश कितना? 3720 है ना। और क्या छूटा? एडजस्टमेंट कुछ बचा? देख लो, नहीं है तो पहले इनकम स्टेटमेंट अकाउंट टोटल करो, वहां पे सरप्लस निकालो। इनकम स्टेटमेंट टोटल करो, अच्छा सारा डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट डाल दो। डेप्रिसिएशन फर्नीचर का कितना? 330। और बुक्स का कितना? 4,800, 5,130।
সারা ডিপ্রেশন ডাল দাও বলো পেমেন্ট হুয়া তো রিসিভ পেমেন্ট মতলব ক্যা হ্যায় পেমেন্ট হুয়া ইস বার রিসিভ পেমেন্ট তো ক্যাশবুক হ্যায় ক্যাশবুক সে মানা হ্যাঁ তো লাস্ট ইয়ার কা আর একবার বল দে जो रिसीव पेमेंट है एक बार होगा किसी जगह और बैलेंस जितना भी एडजस्टमेंट है डबल होगा। तुम देखो एसेट्स का सारा डबल किए हैं, नीचे जितना भी एडजस्टमेंट है सब्सिडाइजेशन को डबल किए हैं, सैलरी को डबल किए हैं, रेंट को डबल किए हैं, इनकम साइड टोटल करो। नहीं एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इसका, एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा हो रहा है 17,522,130 22,130 हो रहा है क्या? इनफैक्ट 24,110 हैं? भूल गए थे 1,110 और क्या लिखे क्या? और पोस्टेज लिखे नहीं, पोस्टेज इलेक्ट्रिसिटी छूट गया। तो पोस्टेज कितना है? 1,250 और इलेक्ट्रिसिटी 730 टोटल कितना हो रहा है? 24,110 बाय डेफिसिट। बाय डेफिसिट सर ओपनिंग बैलेंस शीट का कैनो बनाएं सर तुमको अभी पता चल जाएगा। एक सरप्लस और डेफिसिट हम कैपिटल के साथ जोड़ेंगे तो फाइनल अकाउंट में हाँ। कैपिटल नहीं दिया है, कैपिटल ना दिया था क्लियर, कैपिटल नहीं दिया ना क्या होगा? कैपिटल नहीं दिया ना क्या होगा? एसेट माइनस लायबिलिटी। कैपिटल नहीं दिया ना क्या होगा? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट टोटल करो। कैपिटल 74,300 ये कैपिटल निकाल गया बैलेंस शीट फिगर। ये कैपिटल को हम लोग डाल देंगे बैलेंस शीट में। कैपिटल कितना निकला? 74,300। सरप्लस हो तो प्लस करेंगे और डेफिसिट और माइनस। सरप्लस में तो प्रॉफिट, डेफिसिट में तो लॉस, लेस डेफिसिट। डेफिसिट कितना? 360 73,940। हाँ बोथ साइड टोटल करो 78,590। बैलेंस शीट मैच कर गया। किसी को बैलेंस शीट देखना है तो पूरा देखो। कंसेप्ट थोड़ा डेवलप हुआ है, करते करते होगा। ओके अब होमवर्क देंगे हम। और एक बार देखोगे बहुत सारा बात हम बोले जो तुम लोग रनिंग नोट में लिखे नहीं, बट एक बार सुन लेना और एक बार तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके सर क्लास का रिकॉर्डिंग हो चलो।